तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अष्टदिग रूप थानेडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण यानी कि बुड़मास के रूप को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। जैसे आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि 4 + 8 / 2 - 5 इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगा कि पहले हम प्लस को सॉल्व करें, आप भागा को सॉल्व करें या माइनस को सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक खास तरह का नियम बना हुआ है, जिसे हम लोग बुड़मास का रूल कहते हैं यानी कि बुड़मास का नियम कहते हैं। तो चलिए समझते हैं बुड़मास का रूल क्या होता है। तो देखिए, बुड़मास का जो फुल फॉर्म होता है वो देखिए बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है बड़ा ब्रैकेट, फिर महिला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, और वो से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और इसका गणित में इसका मीनिंग होता है गुना। फिर डी से होता है डिवीजन मतलब भागा, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए से एडिशन मतलब जोड़, एस से सबट्रैक्शन मतलब घटाव। बुड़मास का कहने का मतलब है कि जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो सबसे पहले क्रम से सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर से डी मतलब डिवीजन यानी कि भाग को सॉल्व करेंगे, एम से फिर गुना को सॉल्व करेंगे, ए से जोड़ को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग घटाव को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है उसे ढूंढना है। तो देखिए, यहाँ बी मतलब ब्रैकेट यहाँ नहीं है, ओ से फिर देखिए ऑफ का मतलब गुना नहीं है, अब डी है डिवीजन मतलब यहाँ डी डिवीजन है। तो सबसे पहले हम इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे, 8 और 2 के बीच जो डिवीजन है यानी भाग है उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इससे पहले की संख्या को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, पहले 4 है तो 4 का 4 लिख दीजिए, फिर प्लस है प्लस लिखिए, 8 को देखिए 8 को भी भागा देना है 2 से, तो बट्टा में हम 2 लिखेंगे, फिर देखिए -5 है तो उसे -5 ही रहने दीजिए। अब हमें क्या करना है, फिर से वही 4 प्लस, देखिए 8 को अगर 2 से भागा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर -5 आ जाएगा, यानी कि हमें 4 + 4 - 5 मिल चुका है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ हमें प्लस और माइनस को सिर्फ सॉल्व करना है, तो इन दोनों में सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए डी के बाद होता है एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, तो गुना यहाँ नहीं है। इसके बाद होता है ये यानी एडिशन मतलब जोड़, पहले जोड़ को सॉल्व करेंगे, तो जोड़ 4 + 4 को जोड़ना है, तो हमें पता है 4 + 4 को जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलेगा, और माइनस करना है इसमें 5। अब नॉर्मली 8 में 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या हमारा, 36 + 12 / 8 - 5। ध्यान दीजिए इसमें ब्रैकेट भी शामिल है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बी से मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे यानी ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इससे पहले की संख्या 36 है, 36 का 36 लिख दीजिए, प्लस है 12, उसे 12 ही रहने दीजिए, भागा का भागा रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर 8 - 5 है तो 8 में से 5 घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा। अब यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें प्लस और भागा के बीच सबसे पहले भागा को सॉल्व करना है क्योंकि डी से डिवीजन सबसे पहले होता है। तो देखिए 36 का 36 हम लोग लिख देंगे, 12 को भागा देना है 3 से यानी कि 12/3। अब ध्यान दीजिए, अगर 3 से 12 को भागा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा 4। तो अब 36 + 4 में जोड़ना है क्योंकि लास्ट प्रोसेस है 36 + 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 40 मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है कि 12 + 16, देखिए यहाँ बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट है इसके बीच में, फिर माइनस है, फिर महिला ब्रैकेट है, फिर 5 प्लस है, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर 12 - 3, और तीनों ब्रैकेट से फिर क्लोज है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए बी से होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। करते देखिए, पहले हम लोग 12 का 12 लिख देंगे, फिर प्लस है, यहाँ बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट है तो इसके अंदर की संख्या देखिए क्या है, 16 है, 16 का 16 लिख दीजिए। अब हम लोग इस महिला ब्रैकेट को भी सेम लिख देंगे, 5 प्लस करना है। अब देखिए छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होता है, तो छोटा ब्रैकेट के बीच यहाँ कौन सी संख्या है, 12 - 3 है, तो दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो हमें 9 मिलेगा, यहाँ से छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, महिला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए, अब फिर से हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 12 का 12 लिख देंगे प्लस बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट उस सेम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ महिला ब्रैकेट यानी इसे करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो इसके बीच की कौन सी संख्या है, यहाँ 5 + 9 करना है यानी कि हमें दोनों को जोड़ने पर 14 मिलेंगे, और ये ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा, फिर सिर्फ यहाँ बड़ा ब्रैकेट बचेगा। चलिए 12 का 12, अब इसके बीच की संख्या को सॉल्व करना है, 16 - 14 करना है तो हमें +2 मिलेगा और ये ब्रैकेट हट जाएगा। अब 12 + 2 करना है तो हमें 14 मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है देखिए, 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 माइनस, फिर महिला ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट, फिर 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 4, फिर सारा माइनस 4 करली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट के बीच की संख्या को सॉल्व करेंगे। तो 4 का 4 माइनस 4 माइनस 4, अब इन दोनों के बीच की संख्या क्या है, 4 में से 4 घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो अब यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं आएगा। अब इसके बाहर की संख्या जो है माइनस 4 है, तो माइनस 4 यहाँ लिख देंगे और इसे क्लोज कर देंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ 4 माइनस इस प्रकार करेंगे। अब इन तीनों संख्याओं को सॉल्व करेंगे क्योंकि महिला ब्रैकेट को अब सॉल्व करना है। तो 4 माइनस 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 माइनस 4 बचेगा, तो फिर से यहाँ हमें 0 मिल रहा है, यानी कि यहाँ माइनस के बाद हमें 0 मिल रहा है और यह ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा, तो सिर्फ बड़ा ब्रैकेट बचेगा। देखिए अब हमें क्या करना है, फिर से 4, अब 4 में से 0 घटाएंगे तो हमें सिर्फ 4 मिलेगा, 4 में से 4 घटाएंगे हमें 0 मिलेगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बुडमास के रूल को यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।